25,000 रुपये का मोस्ट वांटेड अपराधी है करमवीर, यारपुर का है ये, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था, जिसने 2012 में अपने साथी संदीप के साथ मिलकर और वेदपाल की घरवाली के साथ मिलकर वेदपाल का ही मर्डर कर दिया था, जिसका कारण इनके आपस में अवैध संबंध रहे थे। तो आज हमने उसको गिरफ्तार किया है उस मुकदमे में। सर ऐसा मर्डर हुआ था वेदपाल की घरवाली के साथ, जो हमने आरोपी पकड़ा है मोस्ट वांटेड, इसके अवैध संबंध थे। ये करीब 9 साल से फरार चल रहा था, आज तक पुलिस की गिरफ्त से नहीं आया था। इसने 2 गोली मृतक को मारी थी, एक गोली सिर में मारी थी, एक गोली पेट में मारी थी। कौन से गांव में वारदात को अंजाम दिया? ये छिजराना मदीना के बीच में जो रोड पड़ता है उस रोड की बात है। सर जो करमवीर है, जो करमवीर का दूसरा साथी है संदीप, वो इसी के गाँव के रहने वाला था, जिसको 12 साल की इस केस में सजा हो चुकी है और जो अभी पिछले 9 सालों से ही जेल के अंदर बंद है, तो रोहतक जेल में बंद है। सर ये कहा, स्टार्टिंग में तो MP में चला गया था, कोल्हापुर साइड में, उसके बाद ये UP चला गया, UP में इसने शादी कर ली, उसके बाद UP से ये गुड़गांव आ गया। गुड़गांव में जो है इसने पहले सिक्योरिटी वगैरह का ऑटो किराए पे लेके ऑटो चलाया, और उसके बाद इसको मसाज आती है, बॉडी मसाज करता है ये, तो अब ये दिल्ली में रह के बॉडी मसाज का काम करता था। तो खास किस तरह से कहाँ पे बॉडी मसाज करता था? बॉडी में ये फोन कॉल पे चला जाता था, और ये इधर महिपाल एरिया पूर एरिया है ना, उसी साइड में ये रह के पोस एरिया है, वहाँ पे सर्वेद बाल की हत्या का कर किया। किस समय किया? आज रात को ही किया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन।